सर्वेभ्यो नमो नमः। छात्रों, कल के विषय को आगे बढ़ाते हुए आज षष्ठी कक्षा के छात्रों के लिए उस विषय से आगे हम चर्चा करेंगे। पूर्व की कक्षा में हम सब ने पढ़ा कि किस प्रकार वचन पुरुष का प्रयोग कर्ता और क्रिया के रूप में किया गया। लट लकार की क्रिया हम सब बनाना सीख गए हैं और उस क्रिया का कर्ता भी भली भांति हम जोड़ सकते हैं। तो जैसा आपके सिलेबस में भी दिया जाएगा कि कक्षा षष्ठी के लिए लट और लिट दो लकार आएंगे, तो लट लकार की क्रिया हम बनाना सीख गए हैं। अब आगे लिट लकार की क्रिया किस प्रकार बनाई जाएगी, इस पर हम चर्चा करते हैं। छात्रों, लिट लकार की क्रिया बनाने के लिए लट लकार की तरह ही तीतह अंति सीथ थ आमी आवह आमह का प्रयोग करते हैं। अंतर केवल यही है कि लिट लकार के लिए स्य अलग से जोड़ना होता है, अर्थात स्य जोड़ेंगे उसके बाद तीतह अंति जोड़ेंगे, तो स्यति स्यतः स्यन्ति स्यसि स्यथः स्यत् स्यामि स्यावः स्यामः। इस प्रकार लिट लकार की क्रिया बन जाएगी। जैसे पठ धातु के साथ मैंने उदाहरण दिया था, तो लिट लकार में पठिष्यति पठिष्यत पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यथ पठिष्यथ पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। इस प्रकार लिट लकार की क्रिया जो भविष्यत काल बताने के लिए गा गे गी जिसमें लगता है उसके लिए प्रयोग की जाती है। जैसे सह पठिष्यति वह पढ़ेगा, ये प्रथम पुरुष की क्रिया हुई। त्वं पठिष्यसि तुम पढ़ोगे, ये मध्यम पुरुष की क्रिया हुई। अहम् पठिष्यामि मैं पढ़ूंगा, यह उत्तम पुरुष की क्रिया हुई। इसी प्रकार हम कर्ता के साथ क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो पठ के साथ आपने लट लकार की क्रिया बनाई और कर्ता को जोड़ा, इसी प्रकार आगे लिट लकार की क्रिया बनाकर पठ गम लेख भू आदि धातुओं के साथ और उसके साथ कर्ता को जोड़कर उसके अर्थ को समझ लेंगे। इसके बाद जब आप लट और लिट अर्थात वर्तमान काल और भविष्यत काल दोनों क्रिया बनाना सीख गए या सीख जाएंगे, तो फिर छोटे छोटे संस्कृत वाक्यों को जैसे वह जाता है, मैं जाता हूँ, वे दोनों जाते हैं, मैं जाऊंगा, वह जाएगा, हम दोनों जाएंगे, वे दोनों जाएंगे, इस प्रकार लट लकार और लिट लकार की क्रियाओं को जोड़कर छोटे छोटे संस्कृत के वाक्य बनाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि परीक्षा पैटर्न में अनुवाद भी 5 नंबर का निर्धारित किया गया है, इसलिए छोटे छोटे संस्कृत अनुवाद की प्रैक्टिस करेंगे। और उसके बाद जो सह एसह का प्रयोग किया गया है, तो उस सह एसह पाठ के आधार पर हम लोग आज षष्ठी कक्षा में निर्धारित पाठ्यक्रम जो चतुर्थ पाठ है उसका शीर्षक है विद्यालय, चौथा पाठ विद्यालय। तो विद्यालय के बारे में जो हमारी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है उसको पढ़ेंगे। तो चलिए छात्रों, आज हम लोग देखते हैं कि विद्यालय पाठ में क्या लिखा हुआ है। विद्यालय, आप जानते हैं विद्यालय शब्द दो शब्दों के मेल से बना हुआ है,
विद्या धन आलय, विद्या धन आलय अर्थात विद्या का आलय, आलय माने घर, विद्या का जो घर है उसे विद्यालय कहते हैं। तो विद्यालय शब्द पुल्लिंग है क्योंकि विद्यालय लिखा हुआ है। तो इसका अगर सर्वनाम बनाएं तो देखिए किताब में दिया हुआ है, किताब खोल कर देख सकते हैं, एषः विद्यालयः, पुल्लिंग में प्रयोग किया गया है, एषः विद्यालयः, यह विद्यालय है। अत्र छात्राः शिक्षकाः शिक्षिकाः च सन्ति, अत्र माने यहाँ छात्र शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं। च का प्रयोग क्रिया के पूर्व किया जाता है लेकिन हिंदी अनुवाद करते समय अंतिम कर्ता के पहले और का प्रयोग करेंगे। जैसे यहां पर छात्र शिक्षक और पहले आ गया कर्ता के पहले, शिक्षिकाएं हैं, जबकि इसमें पाठ में क्रिया के पूर्व च का प्रयोग किया गया है। ऐसा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति, प्रयोगशाला चूंकि स्त्रीलिंग है इसलिए इसका सर्वनाम ऐसा हुआ, ऐसा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति, यह संगणक यंत्र, संगणक माने कंप्यूटर, संगणक यंत्र प्रयोगशाला अर्थात कंप्यूटर लैब है जहां कंप्यूटर के यंत्रों का प्रयोग किया जाता है उसको संगणक यंत्र प्रयोगशाला कहते हैं, प्रयोगशाला अर्थात लेबोरेटरी लैब। एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति, ये सभी कंप्यूटर के यंत्र हैं। एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम् अस्ति, अब उससे आगे बढ़ा, यह हमारे विद्यालय का उद्यान है, उद्यान माने बगीचा, यह हमारे विद्यालय का बगीचा है। उद्याने पुष्पाणि सन्ति, बगीचे में फूल हैं। वयम् अत्र क्रीडामः पठामः च, वयम् माने हम लोग, अत्र यहाँ, क्रीडामः पठामः च खेलते हैं और पढ़ते हैं। वयम् अत्र क्रीडामः पठामः च, हम लोग यहाँ खेलते हैं और पढ़ते हैं। इसके बाद इसी चैप्टर में संवादात्मक रूप में, संवाद माने बातचीत के रूप में कुछ वाक्य दिए गए हैं। ऋचा प्रणव से कहती है कि तव किम नाम, ऋचा बोल रही है तव नाम किम, तव माने तुम्हारा, नाम माने नाम, किम माने क्या, तुम्हारा नाम क्या है। तब प्रणव कहता है मम नाम प्रणव, मेरा नाम प्रणव है। तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है, तव माने तुम्हारा, तुम्हारा नाम क्या है। तो ऋचा कहती है मम नाम ऋचा, मेरा नाम ऋचा है। त्वं कुत्र पठसि, तुम कहाँ पढ़ते हो, कुत्र माने कहाँ, तुम कहाँ पढ़ते हो। तब प्रणव कहता है अहम अत्र एव पठामि, मैं अत्र माने यहाँ, एव माने ही, तो यहाँ और ही दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा, यही, अहम अत्र एव पठामि, मैं यही पढ़ता हूं। तब ऋचा कहती है अहम अपि अत्र एव पठामि, मैं भी यही पढ़ती हूँ। इदानीम आवाम मित्रेष्वः, इदानीम माने इस समय, आवाम हम दोनों, मित्रेष्वः माने मित्र हैं, मित्रम मित्रे दो हो गए ऋचा और प्रणव, इसलिए मित्रम एक वचन, मित्रे द्विवचन का प्रयोग किया और अस्मि स्व द्विवचन का प्रयोग किया कि इसलिए इदानीम इस समय हम दोनों मित्र हैं। इस संवाद से आप अपने घर में जो भी घर के मेंबर हैं उनसे आप संस्कृत में संवाद कर सकते हैं कि मम नाम डैश जो भी आपका नाम है, जैसे इसमें लिखा है मम नाम प्रणव, आप पूछ सकते हैं
कि मम नाम प्रणव, मेरा नाम प्रणव है, तब नाम के तुम्हारा क्या नाम है, तो वो भी बोलेगा अहम मम नाम डैश जो भी नाम है वो बताएगा। इस प्रकार आप परिचय एक दूसरे से आपस में घर में भी कर सकते हैं और इसका प्रयास करना चाहिए। इसके बाद दूसरा संवाद शिक्षक शिक्षिका और छात्रों के बीच है। शिक्षिका छात्रों से कहती है, छात्रा यूयम किम कुरुथ, तुम लोग क्या कर रहे हो। यूयम माने तुम सब, किम कुरुथ आपको बता चुके हैं पहले कि यूयम के साथ क्रिया क्या आती है, थ, इसलिए लिखा कुरुथ। यूयम तुम सब किम कुरुथ, क्या करते हो। छात्र कहते हैं आचार्य वयम गच्छामः, आचार्य माने महोदय हम सब जाते हैं। शिक्षिका कहती है यूयम कुत्र गच्छथ, तुम सब कहाँ जाते हो। छात्र कहते हैं वयम सभागारं गच्छामः, हम लोग सभागार अर्थात जहां पर सभा होती है और आगार माने घर, जिस घर में सभा होती है अर्थात बड़ी जगह जैसे हमारा ऑडिटोरियम है उसको सभागार कहा। तो वयम सभागारं गच्छामः, हम लोग सभागार अर्थात ऑडिटोरियम जा रहे हैं। शिक्षिका कहती है युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति, तुम सबकी किताबें कहाँ हैं। प्रश्न कर रही है, क्वेश्चन मार्क है, इसलिए युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति, तुम सबकी किताबें कहाँ हैं। छात्र कहते हैं अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति, हमारी पुस्तकें यहाँ हैं। तो छात्रों इस संवाद से हम सब किस प्रकार प्रश्न करना है और किस प्रकार उसका उत्तर देना है इससे भी परिचित हो रहे हैं। तो इस प्रकार प्रश्न करने की भी प्रश्न और उत्तर प्रश्न करने की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। दूसरा फिर से संवाद है, शिक्षक दो छात्रों से कहते हैं युवाम किम कुरुथ, छात्रौ युवाम किम कुरुथ, छात्रौ दो छात्र युवाम तुम दोनों किम कुरुथ, क्या कर रहे हो। तो छात्रौ दोनों छात्र बोल रहे हैं आचार्य महोदय आवाम श्लोकम गाया वह, हम दोनों श्लोक गाते हैं। शिक्षक कहते हैं शोभनम बहुत अच्छा, किम युवाम श्लोकम न लिखा था, क्या तुम दोनों श्लोक नहीं लिख रहे हो। क्वेश्चन क्या तुम दोनों श्लोक नहीं लिख रहे हो। छात्रों दोनों छात्र कहते हैं आवाम लिखा वह, हम दोनों लिख रहे हैं, पठा वह पढ़ रहे हैं, गाया वह गा रहे हैं, चित्राणि अपि रचया वह और चित्र भी बना रहे हैं। तब शिक्षक कहते हैं बहु शोभनम बहुत अच्छा। तो छात्रों इस प्रकार हम इसमें जो कुछ भी प्रश्न दिया गया है चैप्टर का अभ्यास करेंगे। इसके बाद शब्दार्थ दिया गया है, कुछ कठिन शब्द हैं, कुछ इसमें संज्ञा शब्द हैं, सर्वनाम शब्द हैं और अव्यय हैं, तो इन शब्दों का भी अभ्यास करना चाहिए। इसके आगे जो कुछ भी होगा अगली कक्षा में फिर बताने के लिए उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।